हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक महिला हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि महिला होने की वजह से ट्रेडिशनली हमारे नुकसान क्या हैं। मैं भी एक महिला हूँ, चार तरह के मेन जो है डिसएडवांटेज हमारे साथ हैं। पहला इकोनॉमिकल, दूसरा इमोशनल, तीसरा सोशल स्टेटस, चौथा पावर। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि ये चारों चीज़ें हमने स्वेच्छा से ली हुई है। इस डिसएडवांटेज को हम एडवांटेज में बदल सकते हैं। कैसे? ये डिसएडवांटेज हमें इसलिए मिलते हैं, या ऑटोमेटिक बाय बर्थ बोलिए तो बाय वर्च्यू ऑफ आवर लाइफ ये इसलिए है क्योंकि हम खुद से इसको सोचते हैं कि इन चारों मामलों में मैं वीक हूँ। बट आज अगर इकोनॉमिक की बात करें तो महिलाएं कंधे से कंधे मिला करके काम कर रही है। आज महिला सशक्तिकरण जैसा कोई वर्ड नहीं है, आज हर महिला सशक्त है, हर महिला बहुत ही अच्छे बड़े बड़े लेवल पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी उनको सशक्तिकरण या अवेयरनेस की कहाँ ज़रूरत है? उनके सेल्फ केयर के मामले में बड़े बड़े पद पर आज भी महिला काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत पैसे कमा रही हैं, लेकिन जब सवाल आता है कि क्या वो अपने हेल्थ को उनकी पहली प्रायोरिटी में रखती हैं, तो उसका भी आंसर होता है नो। और एक जो हाउस मेकर है, जो घर में रहती हैं, घर संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, उनका भी आंसर होगा नो। ज़्यादातर महिलाओं का यही आंसर होगा कि अपना पर्सनल केयर की जब भी बात आती है तो वो अपने आप को सबके बाद रखती हैं। ये मेरे साथ भी था, मैं यही काम करती थी, अपना नंबर हमेशा लास्ट में लाती थी। क्योंकि हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है ना मेंटल, उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा नंबर सबसे बाद आता है, पहले प्रायोरिटी दूसरों की है, फैमिली मेंबर की है, बच्चों की है, बड़ों की है, हमारा नंबर सबसे बाद आता है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आप अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। इसलिए इस डिसएडवांटेज को आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करके आप चारों का एडवांटेज आप ले सकती हैं। कैसे? अगर आप सेल्फ केयर करती हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप ना सिर्फ फिजिकली स्वस्थ होंगी, मेंटली स्ट्रांग होंगी। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग होती हैं तो आप एक सही डिसीज़न ले सकती हैं, आप फाइनेंशियल डिसीज़न ले सकती हैं कि कौन से एक्सपेंसेस आपको किधर करने हैं। एक्सपेंसेस एक्चुअली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो आप समझ सकेंगे। जब भी हेल्थ केयर की बात आती है तो ज़्यादातर लोग ये समझ जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये एक्सपेंस है, और वो इलनेस का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट हेल्थ के मामले में दो तरह के, जो मुझे समझ में आते हैं, मैं और जो मैं करना स्टार्ट की हूँ वही मैं शेयर कर रही हूँ। एक है इलनेस इन्वेस्टमेंट, जो हम हेल्थ के लिए जो भी हम पॉलिसीज लेते हैं हेल्थ केयर के लिए या टर्म प्लान लेते हैं, वो कहलाएगा इलनेस इन्वेस्टमेंट। दूसरा है वेलनेस इन्वेस्टमेंट। वेलनेस इन्वेस्टमेंट में वो चीज़ें आएंगी कि आप रोज़मर्रा में अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए, अपने खान पान में बदलाव करने के लिए क्या खर्च करते हैं, आप साग सब्जी कितनी खाते हैं, आप फ्रूट्स कितना खाते हैं, आप न्यूट्रिशन पर कितना ध्यान देते हैं, हेल्दी फूड पर कितना ध्यान देते हैं, सुपर फूड पर कितना एक्सपेंस है, कितना इन्वेस्ट करते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए आप क्या करते हैं। ये हुआ वेलनेस इन्वेस्टमेंट। इसलिए आज मेरा संदेश ये सारी महिलाओं के लिए है कि आप अपने इलनेस इन्वेस्टमेंट की बजाय वेलनेस इन्वेस्टमेंट पर ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और ये चारों डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलिए। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सोशली एक्टिव रहेंगी, पर्सनली एक्टिव रहेंगी, और आपका मेंटल हेल्थ वो स्ट्रांग रहेगा, आप कोई डिसीजन सही ले पाएंगी। और जब आप डिसीजन सही लेंगी तो पावर ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि डिज़र्विंग जो भी इंसान है, जिस काम के लिए डिज़र्विंग है, वही उसे मिलता है। ये यूनिवर्स का लॉ है, कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ मांगने से नहीं मिल सकती। वंस यू बिकम डिज़र्विंग, आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें मिलती है। वीडियो पसंद आए अप्लाई करिए,
करके देखिए अप्लाई कि आप में क्या बदलाव आया, और मुझे शेयर ज़रूर करें आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।